बिल और फूड रिव्यू कैसा? फूड इज वेरी गुड एंड डेकोरेशन इज वेरी अमेजिंग। अच्छा, आपने मुझे देखा होगा, मैं अभी आया हूँ। बेसिकली सबसे काम की चीज है, मिलेगी समझ रहे हो? ये तो मिलेगी, ये मेरा काम का। क्या हाल है भाई? आज हम फिर एक नए चैलेंज के साथ आए हैं हसन भाई के पास। हसन भाई यार, आपके लिए आज एक और चैलेंज लेके आया हूँ मैं। आपने करना ये होगा, पूरे दिन आपने जो है हमारा खर्चा उठाना है। अब वो आप कैसे उठाओ, काम धंधा करो, पैसे बहुत तेरे भाई के पास बहुत पैसे हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पेश तो गया। एक चीज है मेरे पास। एक चीज क्या? वो आपको बताऊंगा नहीं, सऊती सबके पास है। दिमाग दिमाग मेहनत मजदूरी भैया। घर से पैसे नहीं ले सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। खाली जाएंगे हमारे साथ, खाली जेब जाओगे हमारे साथ और हमें बस खिलाओगे। अब बताओ मंजूर। बहन डर गई। मतलब मैं कहीं भी कोई भी काम करूं उससे पैसे लूं, अपनी दिहाड़ी जिसे कहते हैं। हाँ, बस दिहाड़ी लगाओ हमें खिलाओ, ये अच्छा है। बस दिहाड़ी लगाओ खिलाओ और फिर घर वापसी। घर वापसी ठीक है। चलो 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 यार, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में यही, चाय के होटल पे तो काम करूंगा नहीं। जहाँ वो पैसे अच्छे देगा उसके पास काम करेंगे, खाना भी खिलाएगा भाई। अच्छा, अभी हम ढूंढ रहे हैं एक रेस्टोरेंट। ऐसे तो मैंने इनसे कहा कि मुझे 5 स्टार ले जाके छोड़ दो, वहाँ पे लोग जानने वाले हैं, मुझे नौकरी दे देंगे, मुझे दिहाड़ी दे देंगे। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, बाकी वहीं मिलते हैं। बाय। भैया हम आ चुके हैं 5 स्टार, और 5 स्टार पे ये है पिंक विलास। इसका पिंक जो है अभी ब्लैक हुआ है। अबे यार, वो फीमेल हाँ, तो जाके क्या मतलब वैसे लूज होता है इतना कॉन्फिडेंस, लड़की देख के कॉन्फिडेंस लूज होता है। क्या हो गई? ये है कि आप कौन है? मैनेजर ऑनर जी। जॉब मांगने आया असल में, बता दो। सीवी का है तुम्हारी? सीवी का है। एक दिन आ गए मैनेजर साहब, आ गए जी। बहुत सॉरी बॉस, आ गए। आया था मैं पहले। जी जी, आप बिल्कुल आए थे, तो मैंने सोचा यहीं आ जाता हूँ। सीन ये है कि अब हम एक कंटेंट बना रहे हैं, एक चैलेंज मिला है। सही है। जिसमें मैं इन लोगों को पालूंगा, ये मेरे बच्चों की तरह। ठीक है। बड़े बड़े बच्चे, ये इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इनसे भी बड़े। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो आप मुझसे कोई भी काम करवाएं। कोई भी? रहा नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई भी नहीं, कोई भी से मुराद मतलब जो रेस्टोरेंट का काम कुछ भी करवा ले, कोई भी से। फिर ना एक दिन की मजदूरी पे आए हैं यहाँ पे। सही। आप जो है, मैं इनका पेट वेट पालूंगा और थोड़े से इनके खर्चे पूरे करूंगा। ये बेसिकली मुझे आपको इस पेमेंट के पैसे भी देने होंगे, फिर काम भी वैसे लूं मैं आपसे। बस काम आप लेना, आपने लेना है पैसे देना, फिर ये पैसों से हमें कराएंगे, पिलाएंगे। ठीक है, काम तो वैसे भी आज मेरे 4 लड़के छुट्टी पे। ओए, 4 लड़कों का काम एक साथ? यही चीज आ रहे थे। हाँ ना, 4 लड़के छुट्टी पे, एक डिशवॉशर नहीं है, फिर हाउसमैन जो है वो 2 होते हैं, एक है आज, बाकी सब चले गए। वॉशरूम 2 है हमारे पास। आप भी चले, आपका काम भी। ये इसके अंडर हम आपको डाल देंगे। सही है। अच्छा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यूनिफॉर्म में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो आ रहे हैं अल्टीमेटली उसको ये लगना चाहिए आप स्टाफ है। और जब स्टाफ होंगे, अभी तो हाफ डे लगेगा आपका, तो हाफ डे के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, फुल भी नहीं दे सकूंगा मैं आपको। तो आप आए भी लेट हो ना, शर्ट भी पहननी पड़ेगी, ऑब्वियसली सब कुछ करना पड़ेगा ना यार। एक शर्ट देना, चेंज करने के लिए वॉशरूम चलते हैं। आ जाए, मैं भी आ रहा हूँ। पकड़ो क्या पकड़ो, गेट बंद कर लेते। यहाँ बैठ के करो, ओए गेट बंद कर ले, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। हाँ जल्दी करो, कोई आ जाएगा। अटक गया, हम तीनों बाथरूम में, नीचे तो दिखा। ये देखो हम कैसे खड़े हैं यहाँ बाथरूम, तीन लोग। अभी कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं आया अंदर, काम होता है अभी। रेडी है? बंदर ससुराल कैसे जाता है? इनके हाथ में दे दो ये, मतलब ये। हाँ झाड़ू। सही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट लें,
पहले नीचे का पूरा हम रूम वूप लगाएंगे बाहर से अंदर से चारों तरफ से, उसके बाद ऊपर जाएंगे पूरे फ्लोर का रूम वूप लगाएंगे, उसके बाद जो है फिर आगे काम में आपको बता दूँ। तो बता दो कोई कंटेंट क्रिएटर अगर ऐसा करता हो, करता है ना लोग लाइफ। जबरदस्त मस्त काम करो काम करो। अच्छा हाँ बंदे को बताया बंदा क्या काम सही कर काम का है। इसने बड़ी जल्दी पहले दिन में इतनी सारी चीजें इससे कराई और बहुत सारी चीजें कर ली इसने। चल भाई बाकी बहुत भारी है। बहुत भारी है। ये नाफ ना करते जान है लौंडे में। किसान में उंगली कर रहा है कहाँ पे? किसान में कान में पौधे है ना कान में आ रहे हैं। और बर्तन आ गए टेबल्स फ्री होते जा रहे हैं। और बर्तन ये ले भाई बर्तन है ये तो मैं बर्तन है बहुत नहीं हटा रहा हूँ ठीक है सर जी बराबर वाले के भी ले आना। ये वेरी गुड अब इसको रिगड़ते जाओ रिगड़ो रिगड़ो इसी से रिगड़ना है। हाँ इसी से रिगड़ना है। हमारा नहीं है किसी और का ऑर्डर है ये। वे 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 फिर फिर एक मत देना आराम से तैयार हो गया। एक मिनट हूँ नहीं ये वाला डाल दिया वो बहुत डाल दिया बहुत डाल दिया बहुत है इतना उतना बहुत हाथ सीधा कर मेरा। चलिए अब ये बिल है वो पीछे जो हमारी टेबल बैठी है उसका ख़राब नहीं होनी चाहिए उसे बड़े लाइटली जाके बिल देके फूड रिव्यू लेना आपने। भाई फीमेल इंटरेक्शन हमारी जो होती है वो हमेशा बड़ी वैसी होती है क्योंकि लड़कियों से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैम ये आपका बिल और फूड रिव्यू कैसा? गुड एंड डेकोरेशन इज रियली अमेजिंग। अच्छा आपने मुझे देखा होगा मैं अभी अभी आया हूं बेसिकली ये चैलेंज था पूरा दिन मतलब मुझे काम करना है एक दिन के लिए यूट्यूबर हूँ मैं अपने दोस्तों का पेट पालना है और ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं मेरे बच्चे भी मुझसे बड़े हैं दाढ़ियाँ देखें तो। सबसे काम की चीज़ है मिलेगी मिलेगी सब रखो ये तो मिलेगी ये मेरे काम का गजब टूटी आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा अपनी मेहनत पे भरोसा रख प्यार तो दोबारा भी मिल जाएगा मेरी जान। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों से लिया मैंने अम्बा क्या लिया है पहाड़ की तरह पहाड़गंज तुमसे भी क्या नाम है इसका तुमसे भी बड़ी आइडिया इसकी इरफान नाम है उसका इरफान कैसे इरफान हाथ में लाओ। हेलो यार अजीब बातें करते हो। फाइनली खाना वाना आ चुका है बहुत मेहनत की है और ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें खाना ही खाना है खाना ही खाना और ये सब सिर्फ मेरी मेहनत का है। क्या कहते हो संदीप चुपना नहीं था लेकिन क्या कहते हो काम कैसा किया आपके बेहतरीन काम किया बेहतरीन काम किया जिसका फल आपके सामने और इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट हमारा देखें चमका दिया। हाँ का बर्थडे का भी सीन है अगर आपको कोई बर्थडे वर्थडे करवानी हो पूरा यहाँ पे ना आपका ये नहीं ऑन लाइट है ये ऑन होगा ओह बस अब वहाँ मिलते हैं आपसे। आ आ आ आ आ बात नहीं करो आप सिर्फ खा के दिखाओ। अबे लकड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि लकड़ियाँ ये थी। ओह ये देखो कितने भूखे हैं कितने बेचारे मेरे बच्चे कितने भूखे हैं देख रहे हो कितने भूखे हैं। नो डाउट यार ज़बरदस्त खाना है और ये चिकन शाशले जो है ना चिकन शाशले चिकन चिकन शाशले सही बोल रहा हूँ जानी यही बोलते हैं ना चिकन शाशले चिकन शाशले जल्दी से शाशले। चैलेंज तो तकरीबन पूरा हो गया बस अल्लाह करे दिहाड़ी ओढ़ देते हैं। क्या हुआ टेंशन में क्यों बैठा हुआ इतनी? बर्तन देख पहले। अबे हाँ ये तो हम भूल ही गए धोने भी तो इसको पड़ेंगे। बर्तन भी ना धुलवा ले खैर अब पैसे आएंगे आते ही।
आ जाओ भाइयों, आप भी आ जाओ, क्योंकि आपके लिए इसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, एफर्ट किए, और मैंने इससे बहुत कोशिशें की, बहुत सारे काम कराए, बाथरूम ले जाने से लेके, मतलब बाथरूम नहीं साफ करवाया, बाकी सारे काम करा लिए। नहीं नहीं, वो नहीं, मैं बड़ा बात कर रहा था, ये बाथरूम का मुझे बार बार भूल लेते साफ करवाने के लिए। बिल्कुल, इसका ये रिवॉर्ड एक छोटा सा, एक दिन की चैलेंज कंप्लीट, चबारल ये तो हो गया सीन। अभी जो आप लोगों ने खाना पीना किया ना, उसमें बहुत ज़्यादा बर्तन वेस्ट हुए हैं, आपने पहले तो धो लिए थे, बर्तन भी ना धुलवा लें, लेकिन अभी के बर्तन जो है, हाँ अभी वाले यार, वो मैं ये फाइनली वीडियो इज एंड। अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट लाजमी करना, और देखो भाई चैलेंज के चक्कर में तुम्हारा भाई वेटर भी बन गया और खाना वगैरह भी बनाया, शेफ भी बन गया साथ साथ। बस वैसे तो तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम्हारे लिए हर वीडियो जो है फेवरेट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बस ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो। बाकी आपको हमारा ये चिलॉग लग कैसा रहा है, चैलेंज प्लस व्लॉग, कॉमेंट में लाजमी बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।